फ्रेंड सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन से महीने में घर के काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएँ, जिससे कि इस चैनल पर मैं जो भी प्रेगनेंसी वीडियो डालूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों गर्भधारण करने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं को अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय वो अकेले नहीं होते, उनके गर्भ में एक नन्हा शिशु भी पल रहा होता है और उस शिशु को सही सलामत दुनिया में लाने की पूरी जिम्मेदारी एक माँ की होती है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि गर्भधारण के बाद से ही वो अपना खास ख्याल रखें, वो अपने खाने पीने उठने बैठने सोने चलने फिरने हर एक चीज़ों का खास ख्याल रखें। दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं को घर के कुछ काम करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो महीने जिसमें गर्भवती महिला काम करने से बचें। दोस्तों प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला दूसरा और तीसरा महीना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस तीन महीने में मिसकैरेज के बहुत ही ज्यादा चांस हो जाते हैं, इसलिए इस तीन महीने गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें घर का ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ऐसे काम जो उनको ज्यादा थका देती हों वैसे काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्हें इस दौरान ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए और ना ही ज्यादा उठ बैठ करने वाला काम करना चाहिए। गर्भावस्था के एक से तीन महीने उन्हें झुककर करने वाले हर काम से दूरियां बनानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स गर्भावस्था के एक से तीन महीने गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही नाजुक पल होता है। स्टार्टिंग के दो महीने गर्भवती महिलाओं के बॉडी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसके कारण कई बार तो वो ये भी अनुभव नहीं कर पाती कि वो गर्भधारण कर चुकी हैं। यही वजह होता है कि अगर उन्हें अपने बॉडी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर न आए तो वो पहले की भांति घर का सारा काम करती हैं, तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं, घर का भारी सामान उठाती हैं और झुककर करने वाला काम भी करती हैं। और इसी दौरान बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के साथ दुर्घटना हो जाता है और परिणाम स्वरूप उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स गर्भावस्था के एक से तीन महीने गर्भवती महिलाओं को घर के काम करने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में गर्भ के भीतर शिशु का आकार बनने लगता है, यानी उसके बॉडी का डेवलपमेंट होने लगता है। तो ऐसे में शिशु के शारीरिक विकास में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो घर का हैवी काम करने से बचे और आराम करें। इसके अलावा फ्रेंड्स गर्भावस्था का सेकंड ट्राइमेस्टर यानी फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मंथ में शिशु का विकास तेजी से होना शुरू हो जाता है, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। इस दौरान उन्हें अपने आहार में जितना ज्यादा हो सके प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें दाल अंडा दूध और दूध से बनी चीज़ों को अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से उनके गर्भ में पल रहे शिशु के साथ साथ उनका वजन भी तेजी से बढ़ता है और शिशु का समुचित विकास होता है। गर्भावस्था के फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ महीने में गर्भवती महिलाओं को घर का हल्का फुल्का काम करते रहना चाहिए, क्योंकि घर का हल्का फुल्का काम करते रहने से उनकी बॉडी का एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है जो उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उन्हें पेन भी कम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर यानी सेवन एट और नाइन मंथ में गर्भवती महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए और अपने आप को प्रॉपर आराम देना चाहिए। ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका पेट सातवें आठवें या नौवें महीने में काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आ गया है, यानी जिनका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, वो अगर घर के किसी भी काम को करती हैं तो बहुत ही जल्दी थक जाती हैं। साथ ही इस दौरान उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या फिर झुक के किसी भी काम को करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो झुककर करने वाला काम सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने वाला काम बिल्कुल ना करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि वो घर पर जितना ज़्यादा हो सके आराम करें। इस महीने वो ट्रैवलिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठी रह जाती हैं तो इससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु को दिक्कत होते हैं, उनका पेट काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, उन्हें गैस बनने लगते हैं और हाथ पैरों में सूजन भी आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग के दौरान अगर रास्ता ख़राब हो तो भी इसका बुरा असर उनके शिशु पर पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स गर्भधारण के बाद से गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो स्टार्टिंग के तीन महीने और एंडिंग के तीन महीने अच्छे से रेस्ट करें। फ्रेंड लेकिन रेस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह बेड रेस्ट ले लें, आप घर का हल्का फुल्का छोटा काम करते रहें। इससे आप अपने आप को एक्टिव रख पाएंगी और आपका एक्टिव रहना गर्भावस्था के दौरान शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और आपके एक्टिव रहने से आपके बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज होते रहता है, जो नॉर्मल डिलीवरी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ निकल गया है, वो किसी काम को करने में काफ़ी ज़्यादा थक जा रही हैं या फिर किसी काम को नहीं कर पा रही हैं, तो वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए घर के किसी भी काम को ज़बरदस्ती ना करें, वो घर के उसी काम को करें जिन्हें वो आराम से कर सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पूरी प्रेगनेंसी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी सुविधा देखें। आप पूरी प्रेगनेंसी जब भी कोई काम करें तो बस वही काम करें
जिसे करने में आप सक्षम हैं और जिसे करने में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफें नहीं होती। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि गर्भावस्था के दौरान घर का झाड़ू पोछा करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो कि एक प्रकार से सही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सही है जिनका पेट बाहर की तरफ ज्यादा नहीं निकला होता और जिन्हें झाड़ू पोछा करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होते। लेकिन ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका पेट काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकला हो, उन्हें झाड़ू पोछा करने में तकलीफें आ रही हो, तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो घर का झाड़ू पोछा बिल्कुल न करें। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर घर का झाड़ू पोछा नहीं करती तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होते। आपको भी नॉर्मल डिलीवरी होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने बॉडी में खून की कमी और पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी देनी है, जिसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने भोजन में जितना ज्यादा हो सके आयरन और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें और खूब सारा पानी पिएं और डॉक्टर के सलाह अनुसार घर में छोटे मोटे एक्सरसाइज करते रहें। ऐसा करने से भी आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। फ्रेंड, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।